हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंजक्शन के बारे में, चैप्टर नंबर 12। हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लिखा है यूज सुटेबल कंजक्शन टू जॉइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टर्न द हीट डाउन, द केक विल बर्न। हमें जो सुटेबल कंजक्शन होगी वो इसमें ऐड करनी है, इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। अभी अलग अलग हैं ये, टर्न द हीट डाउन, द केक विल बर्न। हमें एक सेंटेंस बनाना है, यानी इनको ज्वाइन करना है इसके थ्रू, कंजक्शन से। तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो आप इसको नोटबुक में कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि फर्स्ट वाला है, टर्न द हीट डाउन, द केक विल बर्न। तो हम लिखेंगे, मैं आंसर करा रही हूँ, आप क्वेश्चन बुक से राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टर्न द हीट डाउन और द केक विल वर्न मीन्स जो आँच है उसको धीमी कर लीजिए, कम कर लीजिए, नहीं तो, यानी अन्यथा या यही, नहीं तो जो केक है वो जल जाएगा। क्योंकि और का मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो बोलते हैं नहीं तो। सेकंड है, सी इज क्राइंग, सी इज सैड। तो यहाँ पे हम आंसर लिखवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, सी इज क्राइंग बिकॉज, क्योंकि वह रो रही थी, बिकॉज क्योंकि, सी इज सैड क्योंकि वह दुखी थी, बिकॉज सी इज सैड। ओके, नेक्स्ट है, माई फादर ड्राइव्स ए कार, माई ब्रदर ड्राइव्स ए कार। इसमें दोनों क्या कर रहे हैं, कार चलाते हैं, है ना। तो दोनों के लिए हम लिखेंगे आंसर, बोथ माई फादर एंड माई ब्रदर ड्राइव्स ए कार। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सेंटेंस को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए, पेयर है बोथ और एंड का, हमने लिया है, है ना। नेक्स्ट नंबर फोर, आई विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, आई विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, आई लाइक वेजिटेबल बेस्ट। मैं वैसे तो सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन मुझे सब्जियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि लेकिन खा तो सब लेता लूँगा, लेकिन वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पसंद है ना। तो यहाँ पे हम वट लगाएंगे, आई विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग बट आई लाइक वेजिटेबल वेस्ट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है नंबर फाइव, द वर्ड मेड ए नेस्ट, इट लेड एन एग। तो यहाँ पे नंबर फाइव लिखेंगे, द वर्ड मेड ए नेस्ट, एंड इट लेड एन एग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर सिक्स, है, आई कुड नॉट गो आउट, इट वॉज रेनिंग हैविली। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, आई could not go out because
इट वॉज मैं बाहर नहीं जा सका क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ठीक है, इट वॉज रेनिंग हैविली। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, ही वेंट टू द सिनेमा, ही सो एन एडवेंचर फिल्म। वह सिनेमा गया और उसने एक एडवेंचर फिल्म देखी। तो हम इसको एंड से जोड़ेंगे। ठीक है, ही वेंट टू द सिनेमा एंड ही सो एन एडवेंचर फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 है, शी वॉज गोइंग आउट टू प्ले इट रेन्ड। वह बाहर खेलने जा रही थी लेकिन बारिश हो गई। तो हम इसे बट से जोड़ेंगे। ठीक है, she was going out to play but it rained। okay, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ए जो है कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिएगा इसको, क्योंकि बुक में इतना स्पेस नहीं है तो आपको नोटबुक में राइट करना है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, अंडरलाइन द कंजक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें अंडरलाइन करनी है कंजक्शंस को, तो हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा, दिस रोड इज़ नॉट ओनली लॉन्ग बट ऑल्सो बम्पी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजक्शन है। ठीक है, ये पेयर रहता है। नेक्स्ट है, द होटल इज़ नाइदर कम्फर्टेबल नॉर चीफ। तो नाइदर और नोर दोनों क्या हैं, कंजक्शन है। यू कैन आइदर राइट और फोन टू ऑर्डर द बुक। तो यहाँ पे आइदर और क्या हैं, कंजक्शन है। ठीक है, बोथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर आर मैरिड। तो यहाँ पे बोथ एंड, ये पेयर होता है कंजक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है, ही इज़ नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश। तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6, आई नाइदर नो नोर केयर व्हाट हैपेंड देयर। तो यहाँ पे नाइदर और नोर क्या है, कंजक्शन है। ये दोनों पेयर रहते हैं, नाइदर के साथ नोर आता है। आई लेफ्ट माई वॉच आइदर ऑन द टेबल और इन द ड्रॉअर। तो यहाँ पे आइदर और। ठीक है, नेक्स्ट है, सी स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे बोथ और एंड क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है और ये पेयर है। जितने भी मैंने अंडरलाइन करी हैं सब पेयर हैं, एक साथ ही आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हैं सब, है ना। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्वेश्चन नंबर ए नोटबुक में राइट करना है और साथ में कंजक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है। कंजक्शन आर वर्ड डेट जॉइन वर्ड्स फ्रेजेज और पार्ट्स ए सेंटेंस। ये डेफिनेशन आपको राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू।